सूरजपुर अभी तक ग्रीन जोन में है, लेकिन वापस हो रहे मजदूर जिला प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं। इन मजदूरों को जिले में रखने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। नवोदय विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर बनाने की जानकारी मिलने के बाद महिला कर्मचारी और स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि स्कूल के हॉस्टल में कुछ बच्चे समेत कर्मचारियों का लगभग 50 परिवार ऐसे हैं जिन्हें जिला प्रशासन के द्वारा हॉस्टल के क्वारंटीन सेंटर में बनाना ये गलत बताया गया। इससे उनके बच्चों और परिवार वाले संक्रमित हो सकते हैं जो इनमें रह रहे हैं। जब भी इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं तो कई प्रकार के मन में कुछ शंकाएं रहती हैं, जिसके कारण लोगों को ऐसा लगता है कि संक्रमण उन तक फैल सकता है। लोगों को क्वारंटाइन के नियमों के संबंध में और हमारी व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत करा दिया गया है। मतलब उसको बहुत ही डेंजर है, उसी टाइम में उसी हम लोग को हटा रहे हैं कि जाओ, और कल आके कोई कोई अधिकारी बोले कि मुझे आप लोग जा क्यों नहीं ओडिशा, लेकिन ओडिशा जाने से वहाँ की सरकार बोल रही है कि आपको बाहर में ही रहना पड़ेगा। कांकेर में भी शराब दुकानें खुल गई।